कस्टर्ड एप्पल पसंद है आपको? हमारे यहाँ इसे शरीफा कहते हैं। ये ज्यादातर व्हाइट और ग्रीन कलर्स के होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप शरीफा के फ्रूट से इनके बीज निकाल कर इनका पेड़ लगा सकते हैं। जी हाँ, पहले इनके छिलकों को उतार ले और इनके फल को आप खा सकते हैं। ये देखिए, इसके बीज काफी चमकदार काले रंग के होते हैं और साइज में थोड़े बड़े भी होते हैं। मैंने इसके सारे बीज अब निकाल लिए हैं, अब हम इन्हें पॉट में लगाएंगे। मैं एक पॉट में ज्यादा बीज लगा रही हूँ क्योंकि सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। आप एक पॉट में 3 से 4 बीज लगा सकते हैं। इसके बीज 2 से 3 हफ्तों में जर्मिनेट होते हैं और इनमें हरे हरे पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप इन्हें डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं। इनके पेड़ बड़े होते हैं, इनमें फल आना 2 से 3 सालों में ही शुरू होता है।